बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम द टीचर ऑफ सुपीरियर मॉडल स्कूल। आई हैव टीच SST ऑफ क्लास 4। टुडे आवर लेक्चर इज लेक्चर नंबर 6, यूनिट नंबर 1, द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट। द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट। लेसन नंबर 2, द फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर इम्पोर्टेंस। इसकी लेसन नंबर 2 का जो हमारा रीडिंग था वो ख़त्म हो गया है, और आज जो है मैंने आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज जो है करवानी है, जो आप लोगों ने अपने कॉपीज़ पर करना है अच्छे तरीके से। मार्जिन लाइन लगाकर, एंडिंग लाइन लगाकर आपने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन काम करना है कॉपीज़ पर। नाउ टाइटल पेज, सबसे पहले मैं आपको टाइटल पेज लिखवाती हूँ कि आपने इस लेसन नंबर 2 में क्या क्या करना है। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। नंबर 3, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम। नंबर 4, क्वेश्चन आंसर्स। ये चार जो है आपने फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम और क्वेश्चन आंसर जो है आपने अच्छे तरीके से अलग अलग पेज पर जो है अपने कॉपी पे लिखना है। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक, जो आपने अभी करना है अच्छे तरीके से। यूनिट नेम लिखकर, लेसन नेम लिखकर, मार्जिन लाइन लगाकर आपने फिल इन द ब्लैंक्स शुरू करना है। नाउ ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो आपने अपने कॉपी में करना है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। द डेज ऑफ अर्थ इंक्लूड माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स एंड हिल्स एक्सेट्रा। द फीचर ऑफ द अर्थ। द फीचर ऑफ द अर्थ। फीचर आपने देश में लिखना है। द फीचर ऑफ द अर्थ इंक्लूड माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स एंड हिल्स एक्सेट्रा। नंबर 2, द डैश लिंक पाकिस्तान टू चाइना। द डैश लिंक पाकिस्तान टू चाइना। द गुजरात पास जो है ये हमारे पास एक बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान को चाइना के साथ लिंक करता है, उसका रابطہ बनाता है। द गुजरात पास, KHUNJERABPASS। द गुजरात पास लिंक पाकिस्तान टू चाइना। लिंक पाकिस्तान टू चाइना। नंबर 3, द डैश लिंक साउथ एशिया टू सेंट्रल एशिया। द डैश लिंक साउथ एशिया टू सेंट्रल एशिया। द खैबर पास। खैबर पास जो है ये भी एक बॉर्डर का नाम है जो कि साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया के साथ इसका लिंक बनाता है। नाउ 4, नंबर 4, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस कंटेन अबाउट देश ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास 23% जो है फॉरेस्ट वाकिया है। 57% जो है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में हमारे पास फॉरेस्ट है, यानी जंगलात है। ना ऑन 5th, देश एंड देश आर अमोंग हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो कि एक पहाड़ का नाम है, एंड K2 ये भी एक पहाड़ है जो कि सबसे हाईएस्ट पीक पर वर्ल्ड में है, यानी पूरी दुनिया में ये हाईएस्ट पीक पर है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचे है। माउंट एवरेस्ट जो आपने डैश में लिखना है, एंड डैश एंड K2 भी आपने डैश में लिखना है, आर अमोंग हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट एंड K2 आर अमोंग हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा काम जो था फिल इन द ब्लैंक्स का ख़त्म हो गया है। आपने इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना भी है और साथ में इसको याद भी करें ताकि आप लोगों के लिए आगे पेपर्स में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ट्रू फॉल्स करवाऊँगी और काम करवाऊँगी जो आपने अपने कॉपी में करना है, और नीट एंड क्लीन काम सब ने करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।